हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट पे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीगल आईवी सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आईवी एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो आई होप आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि 23 दिन में 67% का रिटर्न। ठीक है, प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, हमारा ये यूट्यूब चैनल है राइट पे ट्रेडिंग, इसमें देखिए ये वीडियो मैंने अपलोड करा था। मैं आपको डेट दिखा दूं पहले, ये हमारा, अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो ये डेट है हमारा 16 अगस्त का डेट। ठीक है, अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, टाइम बिताने के बाद उसी एरिया से रिटेस्ट करके प्राइस ने एक बड़ी, ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए क्रूशियल एरिया बन जाता है। अभी क्या किया है प्राइस ने, उस एरिया को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद, अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद, उसी एरिया से रिटेस्ट करके प्राइस ने एक बड़ी कैंडल बना दिया। यहाँ पे बुलिश लॉन्ग डे का फॉर्मेशन कर दिया है। अगर आपने हमारी कैंडल स्टिक की वीडियो को नहीं देखा है, कैंडल स्टिक का सेकेंड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप जाके देख लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सेकेंड टारगेट होगा मेरा 766 के आसपास का। और अगर इसमें मैं थर्ड टारगेट आपको बता दूं तो थर्ड टारगेट होगा मेरा नियर अबाउट 815 के आसपास का। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में देखा, मैंने ये स्टॉक आप लोगों के साथ 687 पे शेयर करा था और ये तीनों टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब मैं आपको हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेके चला जाता हूँ। देखिये, ये जो हमारे तीनों टारगेट्स है ना, आपके सामने अचीव होते हुए दिख गए कितने दिनों में। एक्चुअली सेकेंड डे ही हमारा टारगेट अचीव हो गया था, वन डे टारगेट अचीव। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने क्या करा, एग्जैक्ट जो मेरा थर्ड टारगेट था वहीं से रिटेस्ट करके प्राइस ने बाउंस करा। ये मैंने कैसे किया, यही सारी चीजें मैं आप लोगों को आने वाले समय में अपने YouTube पे सिखाने वाला। ठीक है, तो अभी देखिए इस एरिया पे मैंने दिया था और यहां से मैंने प्राइस रेंज मार्क करा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हमें 23 दिनों के अंदर यहाँ पे 67% का रिटर्न मिल गया है। इसीलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपडेट देना चाहता था। और यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा डेट है 5 जून का, इस एरिया पे मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा था। और अगर आप उनका प्रॉफिट्स यहाँ पे देखोगे ना, तो उनका प्रॉफिट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 109% का है। अब आप बोलोगे कि ये आप बोल रहे हो, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आपने दिया था। मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। देखो, मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये इमेज देखो, तो आई होप आपने देख लिया होगा कि 5 जून को मैंने ये वाला स्टॉक अपने लर्निंग ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा था और उन्होंने ऑलमोस्ट 110% का रिटर्न यहाँ पे 3 महीने के अंदर बना लिया, विच इज वेल इनफ। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है दावत एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स लिमिटेड को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको एक चीज बताऊं ना, यहाँ पे देखो प्राइस क्या कर रहा था। प्राइस एक पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, देखो प्राइस एक रैली देता है, एक हाई क्रिएट करता है, डाउनफॉल दिखाता है, फिर से रिवर्स करता है, हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से ना प्राइस इस पैटर्न में चल रहा था। देखो ये जो हमारा ये राउंडिंग फॉर्मेशन था ना, इसका आप यहाँ पे गैप देख लो कितना परसेंट का है। यहाँ पे ये था हमारा गैप ऑलमोस्ट 33% का और इसने ऊपर में ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास का रिटर्न हमें दे दिया है। ठीक है, ये जो हमारा राउंडिंग फॉर्मेशन वाला एरिया था उसके अकॉर्डिंग जो हमें टारगेट्स मिल रहे थे वो हमें मिल चुके हैं। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस फिर एक रैली देने के बाद, फिर यहाँ पे करेक्शन दिखाने के बाद प्राइस यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल तरीके से मैं दो टारगेट्स बोलूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा बिना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड किए, बिना मैं आपको सिंपल तरीके से दो टारगेट बताऊंगा। मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क कर लूंगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर लूंगा। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन मार्क। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट होगा, हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 220 रुपए के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 रुपीज के आसपास का। तो ये जो हमारा ट्रेंडलाइन का रिजेक्शन आप देख रहे हो ना मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये एरिया हमारा कंटिन्यूअसली रिजेक्शन एरिया बनता है। तो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं ऑलमोस्ट डबल का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ और ये दो हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। गोल्डियम इंटरनेशनल को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये एक एरिया था जहां से प्राइस ने इसे ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअसली वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट को देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट क्या कर रहा है,
हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हो तो आप सीख सकते हो कि जब भी प्राइस एक हाई लगाता है ना, हाई लगाने के बाद जब भी वो इस तरीके से साइडवेज होके करेक्शन करता है ना, और उसके बाद जब एक रैली आती है ना, तो वो रैली कहीं ना कहीं सस्टेनेबल होती है। क्योंकि ये जो साइडवेज एरिया है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस एक ऐसा एरिया है जहां पे बड़े प्लेयर्स इस प्राइस को और भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में इसमें और भी नए हाइस को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में? सिंपल, ये जो ट्रेंड लाइन का एरिया, हमारे दो टारगेट्स होने वाले हैं। हमारा पहला टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में 140 के आसपास का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 153 के आसपास का। ये दोनों हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर फ्यूचर में प्राइस इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट करके बाउंस करता है, तो आने वाले समय में ये जो प्रीवियस हाईज है, ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा फिर यहाँ पे इस तरीके से, ये दूसरा तीसरा टारगेट, ये होगा हमारा चौथा टारगेट, और ये हो जाएगा हमारा पांचवा एंड फाइनल टारगेट। ठीक है, तो पहला ये दो इनिशियल टारगेट्स को आप यहाँ पे देख के चलना, और अगर इस तरीके से ब्रेक होकर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर बाउंस करते हैं, तो ये तीनों हमारे अपकमिंग टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में होने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से देखिए कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस कर रहा है, तो हो सकता है ऑपरेटर यहाँ पे एक बार इसका ब्रेकडाउन दिखाए, उसके बाद अगर दोबारा रिक्लेम करके करता है ना, तो एकदम 100% वाला एरिया होगा जहां से प्राइस बाउंस करता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूँ, जब भी प्राइस एक सपोर्ट वाले एरिया को ब्रेक करके सारे बायर्स को निकाल देता है और उसके बाद प्राइस को रिक्लेम कराता है, यानी कि इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन हो, प्राइस इस तरीके से फॉल करे, ये सारे जितने सपोर्ट पे बायर्स है सबको निकाले और दोबारा प्राइस को रिक्लेम करके रिटेस्ट कराए और फिर बाउंस कराए, तो ये हमारा एक प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस हिसाब से बाई करना है आप देख सकते हो। तो ये था आज का हमारा दूसरा स्टॉक। आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक होने वाला है वो है कॉर्ड्स केबल। कॉर्ड्स केबल में सिंपल तरीके से देखिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये जो गैप है ये हमारा आने वाला टारगेट है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 108 रुपीज का, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 125 रुपीज का। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल 37% की आपको ये दिख रहा है ना गैप, ये हमारा आने वाला टारगेट हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। ठीक है, दैट इज कॉर्ड्स केबल। अब जो हमारा चौथा स्टॉक है आज का, वो है हमारा त्रिवेणी टर्बाइन। त्रिवेणी टर्बाइन को मैंने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे चार्ट दिखा दूं, देखिए प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे जिस एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था, उसके बाद भी वहीं से रिजेक्शन लेके फॉल करा, बट उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद, अच्छा खासा साइडवेज करने के बाद, एग्जैक्ट उसी एरिया से सपोर्ट लेके रिटेस्ट लेने के बाद अब प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे जो आने वाले टारगेट होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा 440 रुपीज के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 500 के आसपास का। ठीक है, तो ये दोनों मेरे आने वाले टारगेट्स होने वाले हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आज का, वो है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। एवलॉन टेक्नोलॉजीज को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, देखिए ये हमारा एक एरिया बन जाता है जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्शन ले रहा था, ब्रेक किया, एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट गैप डाउन खुला। क्यों? क्योंकि उसे यहां से ये सारे बायर्स को निकालने थे। दो दिन देखिए उसने गैप डाउन दिया है, और उसके बाद मार्केट अभी यहां से रिवर्स कर रहा है। याद रखिएगा, इसका आईपीओ अभी रिसेंटली अप्रैल में लॉन्च हुआ है और ये एकदम नया स्टॉक है। ठीक है, बट इस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, और आने वाले जो मेरे टारगेट्स होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मेरा पहला टारगेट होगा 660 रुपीज के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 720 रुपीज के आसपास का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पांचवा स्टॉक आई गेस। और आज का जो हमारा फाइनल स्टॉक है वो है इंडियन टेरेन फैशन। इंडियन टेरेन फैशन एक्चुअली बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे, आने वाले समय में बहुत अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। देखिए ये हमारा एक सपोर्ट था जहां से प्राइस ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट उसी एरिया से रिटेस्ट लेके प्राइस ने फॉल करा, इस एरिया से देखिए कंटिन्यूअसली फिर प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, ये मेरा एक लेवल मार्क किया हुआ है। देखिए मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने ब्रेक करा, बट फिर कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल कर गया, फिर ब्रेक करा, रिटेस्ट करके प्राइस ने फिर बाउंस करा, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल करा, और अभी देखिए इस बार इसने फिर से एक बार ब्रेक करके सस्टेन करके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ये जो हमारा इस तरीके से ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, चौथी बार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट करके फिर ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना, वहीं से प्राइस सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो 71 के ऊपर हमारे यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं,
और आने वाले ये हमारे कुछ टारगेट्स होने वाले हैं। मेरा पहला टारगेट होगा 100 रुपीज का, सेकंड टारगेट होगा 144, थर्ड टारगेट होगा 201 और चौथा टारगेट होगा 241 रुपए का। तो यही थे आज के हमारे कुछ स्टॉक्स जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया था। आज शाम को शायद मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊं, इसीलिए वीडियो में आपको मैं आज शाम के भी सारे स्टॉक्स दे दे रहा हूं। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के 2 वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। और आपके एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और आपका एक सब्सक्राइब हमारी फैमिली को कहीं ना कहीं ग्रो करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।